जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज में अलग अलग सर्विसेज की डिटेल्स जानने की सीरीज में ये हमारी सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में सारी की सारी डिटेल्स जानी थी। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इलीट सर्विस के बारे में, इंडियन पुलिस सर्विस। जब भी हम किसी पुलिस ऑफिसर को एज अ हीरो किसी मूवी में इन एक्शन देखते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। खास करके अगर कोई बच्चा बचपन से इस तरह की मूवीज देखता आया हो तो उसका अट्रैक्शन हो जाता है इस जॉब के लिए। फिर वो पता करता है कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है, यूपीएससी के सीएससी एग्जाम के थ्रू बना जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। बट क्या हमें सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या इस बेसिस पे ही आईपीएस के लिए एम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें किसी भी करियर के सारे प्रोज एंड कॉन्स पहले जानने होते हैं, क्योंकि कोई भी करियर फील्ड परफेक्ट नहीं होता है। तो पहले हमें पता करना चाहिए कि इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और क्या मैं इसके लिए बना हूं, क्या ये मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि कोई भी चीज़ हर एक इंसान के लिए नहीं होती है। तो आज के सेशन में हम इन डिटेल आईपीएस के बारे में चीज़ें समझेंगे, सो डैट आपको क्लैरिटी हो सके कि एक्चुअल जॉब प्रोफाइल क्या होता है और किन किन डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हो, किस तरह के आपके रैंक्स होंगे, क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। खास करके ऐसे टाइम पे जब सोशल मीडिया लोगों पे इतना हावी है, हमारे यूथ पे इतना हावी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मोटिवेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है इन चीजों को लेकर, तो वहां पे पिक्स वीडियोस देख के आपके कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको एकदम से अट्रैक्शन हो जाता है किसी भी फील्ड के लिए। सो हमें पहले एक्चुअल रियलिटी समझनी है, फिर ये जानना है कि क्या हमारे लिए करियर बेस्ट है या नहीं। सबसे पहले हम रैंक्स की बात करते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर किस टाइप के रैंक्स होते हैं, किस टाइप के डेजिग्नेशन होते हैं और कैसे प्रमोशन होते हैं। आपने यूजुअली इस टाइप के रैंक पुलिस के सुने होंगे, मूवीज में भी सुने होंगे, एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, न्यूज में बहुत बार सुना होगा। और आपने इस टाइप के रैंक भी सुने होंगे, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीजीपी। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के रैंक्स और इस टाइप के रैंक्स में फर्क है। ये अलग अलग सिस्टम होते हैं दोनों। किसी सिटी के अंदर आपको कमिश्नरेट सिस्टम देखने को मिलेगा पुलिस का और किसी के अंदर नॉन कमिश्नरेट सिस्टम। ये फर्क क्यों है? देखो, हर स्टेट में नहीं मिलेगी आपको ये चीज और हर स्टेट के हर शहर में भी ये चीज नहीं मिलेगी। पहले नॉन कमिश्नरेट सिस्टम समझ लेते हैं कि ये सिस्टम क्या होता है। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, इसी टाइप के रैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। नॉन कमिश्नरेट सिस्टम एक नॉर्मल सिस्टम होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का। जैसा कि हम देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो कौन होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको आपको बोलते हो। उसके अलावा एक पुलिस का स्ट्रक्चर है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस का हेड है वो कौन है, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो भी काम है वो पुलिस ने देखना है, बट उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी रिपोर्ट देनी होती है। तो इट इज लाइक कि जो डीएम है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट ले रहा है एक आईपीएस ऑफिसर से और उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसको आगे रिपोर्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की दोनों इसमें इन्वॉल्व है। एक तरफ आप जो डीएम का ऑफिस है वो देख रहे हो, एक तरफ आप एसपी का ऑफिस देख रहे हो। तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो नॉन कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर दोनों इन्वॉल्व होंगे, दोनों आंसरेबल होंगे, क्योंकि दोनों का काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना। बट कई बार क्या होता है कि कुछ सिटीज ऐसे होते हैं जहां पे इस तरह का सिस्टम चाहिए होता है कि पुलिस बहुत तेजी से एक्शन ले सके। नॉन कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होगा, अगर धारा 144 भी लगानी है तो वो पावर किसके पास है, डीएम के पास है, और बहुत सी चीजें हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होती हैं। तो उस वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं डीएम पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बट कुछ सिटीज के अंदर बहुत स्विफ्ट एक्शन चाहिए होता है वहां के हालात को देख के, तो उस केस के अंदर कि बीच में डीएम को एक बार रिपोर्ट ना करना पड़े या वहां से सैंक्शंस ना लेनी पड़े, उस चक्कर में जो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे दी जाती है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस डायरेक्टली अपने लेवल पे धारा 140 लगानी हो और जो बाकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शंस हैं वो कर सकता है। इसके अलावा इस चीज का एक फायदा और भी है। अब मान लो कोई बड़ा जिला है, कोई इंपॉर्टेंट जिला है, वहां पे एक डीएम का काम सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला थोड़ी ना है, उसको गवर्नमेंट की सोशल स्कीम्स को भी एग्जीक्यूट करना है। सोशल स्कीम्स का एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट होगा अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बार बार गड़बड़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि डीएम का फिर ज्यादातर ध्यान वहीं होगा। इसके अलावा मान लो कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई एक्शन लेना है, अगर दोनों इन्वॉल्व हैं, डीएम भी इन्वॉल्व है, एसपी भी इन्वॉल्व है उस सिचुएशन को टैकल करने में,
तो आंसरेबिलिटी किसकी होगी? ज्यादातर सिचुएशन में देखा जाता है कि जो पुलिस सिस्टम है वो डीएम पे बात डाल देते हैं, या डीएम जो है वो पुलिस सिस्टम पे बात डाल देते हैं। तो डायरेक्ट एक आंसरेबिलिटी चाहिए सो डैट रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। तो उस केस के अंदर कमिश्नरेट सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप गुरुग्राम जैसी जगह पे देखोगे कमिश्नरेट सिस्टम, दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट होती है, दिल्ली के अंदर आपको डीजीपी की पोस्ट नहीं मिलेगी। इसी तरह से हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर कमिश्नरेट सिस्टम, कई जिलों के अंदर आप एक ही स्टेट के अंदर देखोगे नॉन कमिश्नरेट सिस्टम है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे पूरे स्टेट के अंदर ही आपको कहीं भी कमिश्नरेट सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे आज तक कमिश्नरेट सिस्टम यूज नहीं किया गया है। अब जैसे यूपी के अंदर लखनऊ के अंदर आप देखोगे कमिश्नरेट सिस्टम है, और ये जो कमिश्नरेट सिस्टम किस जिले में लगाना है नहीं लगाना है ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, जो सेवंथ शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर ये पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ पे कौन सा सिस्टम लगाना है, और इसीलिए जो सारे ये आईपीएस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ऑल्दो इनकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बट स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टिंग के दौरान इनको स्टेट गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करना पड़ता है। तो कमिश्नरेट सिस्टम में किस टाइप के रैंक चलते हैं? एक आईपीएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग होती है एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद एडिशनल डीसीपी प्रमोशन के बाद, अगली प्रमोशन या पोस्ट क्या होगी? डीसीपी, फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर ज्वाइंट कमिश्नर एंड देन कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगर हम बात करें कि ये रैंक नॉन कमिश्नरेट सिस्टम के किस रैंक के इक्विवेलेंट है तो वो भी देख लेते हैं। जो एक एसीपी है कमिश्नरेट सिस्टम का वो एएसपी के बराबर है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद जो एसपी है दैट इज इक्वलेंट टू डीसीपी, जो डीसीपी होता है कमिश्नरेट सिस्टम का वो एक एसपी के बराबर होता है। यहां पे आप अगली प्रमोशन देखोगे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन डीआईजी जो हम बोलते हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, देन आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और सबसे ऊपर डीजीपी। एक स्टेट के अंदर जो एक हाईएस्ट रैंक होता है वो होता है डीजीपी का। बट आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है वो आपको दिखेगा कि किसी सिटी के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस की जो पोस्ट है वो एक आईजी रैंक का ऑफिसर कंट्रोल कर रहा है। यही ऑफिसर अगर नॉन कमिश्नरेट में जाएगा तो आईजी रैंक का होगा, और कमिश्नरेट में जा रहा है तो कमिश्नर का होगा। और कहीं आप देखोगे कि डीजीपी रैंक का भी आपको दिख जाएगा, दिल्ली के अंदर आप देखोगे डीजीपी रैंक का आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस दिख जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की वो सिटी है, तो वहां पे किस लेवल का ऑफिसर चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस रैंक का ऑफिसर वहां पे पोस्टेड होगा एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप जानते हो कि आईपीएस ऑफिसर की जॉब एक यूनिफॉर्म जॉब है, जो कि अपने आप में बड़ी प्राउड फीलिंग देती है, बहुत एक रिस्पेक्ट वाली चीज होती है। और यूनिफॉर्म जॉब की एक खासियत होती है कि आप शोल्डर्स को देख के आइडिया लगा सकते हो कि किस रैंक का ऑफिसर है, क्योंकि शोल्डर्स पे जो सिंबल्स लगे होते हैं, एम्बलम लगा होता है, नंबर ऑफ स्टार्स लगे होते हैं, उससे आइडिया लग जाता है ये किस रैंक का ऑफिसर है। सो यहाँ जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रखा है, अगर आपने इसकी डिटेल्स जाननी है, आपको वैसे पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि क्या क्या साइंस होते हैं, तो वो आप गूगल कर सकते हो। जस्ट मैंने एक आपको आइडिया सा दे रखा है। सो अभी तो हमने ये समझ लिया कि जब एक आईपीएस ऑफिसर एक स्टेट में पोस्टेड होता है तो वो उसके किस टाइप के रैंक्स चलते हैं, अब आपको ये क्लैरिटी हो गया है। अब एक आईपीएस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डेपुटेशन पे जा सकता है टेम्पोरेरीली कुछ सालों के लिए, तो वहां पे वो किस टाइप के डिपार्टमेंट्स में सर्व कर सकता है, क्योंकि हर सिविल सर्वेंट इन टाइप के डिपार्टमेंट्स में सर्व नहीं कर सकता है। एक आईपीएस ऑफिसर किन किन डिपार्टमेंट्स में सर्व कर सकता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको पता है बॉर्डर्स के ऊपर जो फोर्स होती है हमारी बीएसएफ की फोर्स होती है, बीएसएफ को जो एक हेड करता है वो एक आईपीएस ऑफिसर हेड करता है, जो डायरेक्टर जनरल होता है। उसके अलावा सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनको भी जो हेड करता है वो एक आईपीएस ऑफिसर हेड करता है। और उसके अलावा बहुत से आईपीएस ऑफिसर्स अलग अलग रोल में होते हैं, अगर आप इनके हेडक्वार्टर्स में देखोगे तो बहुत से आईपीएस ऑफिसर्स पोस्टेड आपको मिलेंगे। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, जो आप देखते हो जो तिब्बत के साथ हिंदुस्तान का बॉर्डर है वहां पे जो पुलिस फोर्स है उनको भी आईपीएस ऑफिसर हेड करते हैं, और हेड के अलावा भी बहुत से आईपीएस ऑफिसर आपको देखने को मिलेंगे। सीआरपीएफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो और स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो एक पुलिस तैनात की जाती है, अर्धसैनिक बल तैनात किया जाता है सीआरपीएफ, उनको भी हेड एक आईपीएस ऑफिसर ही करता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनको भी एक आईपीएस ऑफिसर हेड करता है। आपको पता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर एनएसजी कमांडोज का हमारे ये इलीट कमांडो फोर्स है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको भी एक आईपीएस ऑफिसर हेड करता है। सशस्त्र सीमा बल, जो हिंदुस्तान का
नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर है, वहां पे जो पुलिस फोर्स है वो SSB है, इनको भी एक IPS ऑफिसर ही हेड करता है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप देख रहे हो ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक दूसरा आम सिविल सर्वेंट इनमें एंटर नहीं कर सकता है। एक अगर हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें, यहाँ पे एक IRS ऑफिसर भी आ सकता है, IPS ऑफिसर्स तो होते ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी एक आप सिविल सर्विसेज में हो तो आप रैंडमली इनमें चले जाओगे। इसके लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, आपने उससे रिलेटेड जो काम है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले से, तब जाके आप इनमें सर्व कर सकते हो। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF, कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर हो गया कहीं तो हम सुनते हैं कि स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के अलावा NDRF की टीम्स भी वहां गई, तो इनको भी हेड एक IPS ऑफिसर करता है। यहाँ पे भी आपको बहुत से IPS ऑफिसर मिलेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर भी आपको IPS ऑफिसर्स मिल सकते हैं, ये ऑल दो फाइनेंस से रिलेटेड है बट यहाँ पे भी आपको IPS ऑफिसर्स मिल सकते हैं। उसके अलावा CBI के अंदर आपको IPS ऑफिसर्स मिलेंगे, सीनियर मोस्ट पोजिशन पे भी मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर भी जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन का काम आ जाएगा वहां पे एक IPS ऑफिसर का होना जरूरी हो जाता है, वहां पे IPS ऑफिसर आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो आप देख सकते हो कितने अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने को मिलता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि एक IPS ऑफिसर की जॉब है वो तो लॉ एंड ऑर्डर से ही रिलेटेड है, बट अगर आप बारीकी में अंदर जाओगे तो यहां पे आपको डाइवर्सिटी मिल सकती है। हाँ ठीक है, IAS में यहां से भी ज्यादा आपको मिलेगी डाइवर्सिटी, बट यहां पे भी ठीक ठाक डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो एक होम सेक्रेटरी होता है हमारे देश का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एक IAS ऑफिसर होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पूरे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स को हेड कर रही है, जो उसका सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट है वो एक IAS ऑफिसर होता है। तो यहां आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी, जो रिपोर्टिंग होती है अल्टीमेटली वो जो होम सेक्रेटरी को होती है वो एक IAS ऑफिसर होता है। ऑल दो स्टेट्स के अंदर जो एक होम सेक्रेटरी होता है वो वेरी करता है, कहीं जगह आपको एक IAS मिल जाएगा, कहीं IPS मिल जाएगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखोगे एक IAS ऑफिसर ही होगा। सो आपको एक ओवरव्यू मिल गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक IPS ऑफिसर को अपना करियर बनाना चाहते हो, आगे चल के एक IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हो, पॉजिटिव कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, नेगेटिव कौन से ध्यान में रखने हैं, और आपने कैसे चेक करना है कि मेरा एक टेम्परामेंट है इससे रिलेटेड या नहीं, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेन फैक्टर तो होता है प्राउड फीलिंग फॉर यूनिफॉर्म। बहुत लोगों को यूनिफॉर्म से रिलेटेड एक ही होता है कि मुझे तो और कोई फैक्टर्स देखने ही नहीं है, मुझे तो यूनिफॉर्म चाहिए, एक IPS ऑफिसर की यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे उस काबिल बनना है। सो एक वो अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है बहुतों के लिए, तो ये एक आप फैक्टर कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो, बट इसके साथ साथ आपका उस जॉब के लिए टेम्परामेंट भी होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ एक ही फैक्टर को देख के हमने बाकियों को इग्नोर कर देना है, नहीं, हमने मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है। तो हमने सोशल मीडिया पे देख के या किसी मूवी के अंदर देख के एकदम से जोश में आके डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये 2 या 4 साल का डिसीजन नहीं है, पूरी जिंदगी का डिसीजन है। आपको ये चीज समझनी होगी कि एक IPS ऑफिसर की यूनिफॉर्म अगर आपको मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मिलेगी, आपके कंधों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ऑल दो ट्रेनिंग के दौरान आपको ग्रूम किया जाता है जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको टैकल करनी है, बट एक माइंडसेट, एक मेंटेलिटी, एक मैच्योरिटी भी होनी जरूरी है, एक मेंटल स्ट्रेंथ होनी भी जरूरी है इस सर्विस के अंदर एफिशिएंटली काम करने के लिए। सो आपको वो चेक करना है कि क्या आप उन चैलेंजेस के लिए बने हो, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जब आप इस टाइप के सीन्स देखते हो किसी मूवी के अंदर कि एक IPS ऑफिसर चल रहा है, उसके पीछे पूरी फोर्स चल रही है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जोश आ जाता है कि देखो कितनी अथॉरिटी है। बट आपको एक चीज समझनी होगी कि ये सिर्फ बाहर से आपको नहीं देखना है, जब एक फोर्स चल रही है एक इंसान के पीछे तो वो लीड कर रहा है उस फोर्स को, और कोई इंपॉर्टेंट टास्क के लिए लीड कर रहा है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर फ्लैग मार्च हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने के लिए हो रहा है। सो सिर्फ एक बाहरी एक पिक्चर पे मत जाओ कि सोशल मीडिया पे इस टाइप की पोस्ट देख ली, आप ये भी देखो कि क्या आप उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बने हो, क्या आपके अंदर उतनी मेंटल स्ट्रेंथ है, क्या आप उस टाइप के प्रेशर्स चैलेंजेस फेस कर सकते हो। सो हमेशा बारीकियां भी देखा करो, सिर्फ बाहर के ग्लैमरस पिक्चर नहीं देखनी। कुछ लोग जो है एक IPS ऑफिसर के व्हीकल को देख के बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं,
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत मांगती हैं, सिर्फ एक आउटर चीज नहीं देखनी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना होगा कि अल्टीमेटली आपका काम ही आपको खुशी देता है, आपका टेम्परामेंट, आपका मेंटल टेम्परामेंट उस काम से रिलेटेड होना चाहिए, सो डैट आपको शाम को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले जब आप घर पे आ रहे हो। अगर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही, आपको लग रहा है कि मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है इस काम से रिलेटेड, मैं इस टाइप के चैलेंजेस फेस करने के लिए नहीं बना था, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप मेंटली वीक हो, हर एक इंसान अलग टाइप के चैलेंजेस फेस करने के लिए बना होता है, इंसान हर एक चैलेंज फेस करता है बट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो आप अगर उस चीज के लिए नहीं बने हो तो ये जो आउटर चीजें होती हैं ये आपके लिए कुछ टाइम के बाद इमेटेरियल हो जाती हैं। सो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इस सिचुएशन में बारीकियां देखा करो। जब किसी आईपीएस ऑफिसर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप न्यूज में सुनते हो तो बस ये मत देखा करो कि देखो जी बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर एक आईपीएस ऑफिसर बोल रहे हैं, ये देखा करो कि उस टाइम वो जिस मुद्दे पे बोल रहा है वो कितना सेंसिटिव मुद्दा है, उसके बोलने से उसका एक शब्द इधर का उधर मीडिया अगर कर दे तो क्या से क्या सिचुएशन हो सकती है। सो सारी चीजों को बड़े ध्यान से बारीकी से देखा करो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है। उसके अलावा आईपीएस ऑफिसर की जॉब में आप छुट्टी जैसी चीज को हमेशा भूल के रखो। ये मत सोचो कि एक गवर्नमेंट जॉब में जैसे होता है सैटरडे संडे ऑफ है, फेस्टिवल हॉलीडेज है, इस टाइप की चीजें होंगी। आईपीएस ऑफिसर की जॉब के अंदर जब बाकियों को छुट्टी होती है तो आपका काम बढ़ जाता है। दिवाली की बाकियों को छुट्टी होगी तो आपका काम बढ़ जाएगा। दिन रात का कुछ सिस्टम नहीं है। ये मत सोचो सुबह से शाम की तक आप ड्यूटी होगी, आपका कोई वीकेंड होगा, इस टाइप की चीजें नहीं है। आपको पूरा अपना डेडिकेशन से जॉब करनी पड़ती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो फैमिली टाइम है वो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, कुछ हद तक नहीं कुछ पोस्ट पे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इन चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पिक्चर्स में भी देख रहे हो, यूजुअली अभी आप देखते हो कि नाइट ड्यूटीज पे आईपीएस ऑफिसर्स को जाना पड़ता है, चेक करने जाना पड़ता है। कई बार किसी भी टाइप की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रात को भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है। सो पूरी डेडिकेशन के साथ ये नौकरी हो सकती है। ये मत सोचो कि सिर्फ यूनिफॉर्म को देख के आप अट्रैक्ट हो जाओ। अगर अंदर आपके जज्बा है तभी आप इस नौकरी में एंजॉय कर पाओगे, तभी आपको दिन रात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दिवाली है तो मैं छुट्टी पे नहीं हूं, या किसी नॉर्मल ओकेजन पे आपको कहीं जाना है तो आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी जा रही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से। तो ये तभी हो पाएगा अगर आपके अंदर पैशन है अपनी सर्विस के लिए, अपने काम के लिए। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन गए, सो आपके दिमाग में लेटर ऑन ये भी थॉट्स आ सकते हैं कि मेरा एक बैचमेट है जो कि एक आईएएस है या आईआरएस है, उनके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो है मेरे कंपैरिजन में बहुत कम है, उनका वीकेंड भी होता है बट मेरा वीकेंड भी है बट सैलरी हमारी बराबर है। देखो सैलरी के लिए सिविल सर्विसेज में नहीं आया जाता। अगर आपकी सैलरी प्रायोरिटी है, पैसा प्रायोरिटी है, तो और भी बहुत सेक्टर्स हैं, आप उस साइड भी जा सकते हो। बहुत से आपको सिविल सर्वेंट्स ऐसे मिलेंगे जो बड़े बड़े पैकेजेस छोड़ के सिविल सर्विसेज की तरफ आए हैं। आपको ये देखना है कि जो एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी होती है वो आपके लिए एक पैशन है या नहीं है। जो रिस्पेक्ट आपको यहाँ मिलेगी वो पैसे के साथ आप नहीं तोल सकते हो। जितना मर्जी पैसा एक साइड रख लो, जो रिस्पेक्ट मिलती है उसका कोई इसके साथ मुकाबला नहीं है। बट जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो भी अपने आप में यूनिक हैं और बहुत अलग लेवल के हैं, तो आपको उनके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इवेल्युएशन करो, फैक्टर्स को लिख के देखो, एक नोटबुक के ऊपर एक पेज के ऊपर फैक्टर्स को लिखो, फिर देखो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस जॉब के लिए। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक आईपीएस ऑफिसर को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी रिसोर्सेज मिलते हैं, बट इनके बेसिस पे अगेन प्लीज आपको डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ वर्क प्रोफाइल को देख के ही डिसीजन लेना है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप फील्ड में पोस्टेड हो गए तो अच्छा खासा बड़ा बंगला आपको मिलेगा, बट उसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। हर स्टेट के साथ, हर पोस्टिंग के साथ वो चीज़ वेरी करती है। हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो गए तो वैसा बंगला नहीं मिलेगा, एक डिसेंट अकोमोडेशन मिलेगी बट उतने साइज का बंगलो नहीं मिलेगा आपको, तो ये चीज वेरी करेगी। जहां तक व्हीकल की बात है, एक आईपीएस ऑफिसर को थ्रू आउट द सर्विस डेफिनेटली एक व्हीकल मिलता ही मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल व्हीकल आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में गनमैन भी मिलेगा। बट ये फैक्टर्स आपके डिसीजन के लिए नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि डेपुटेशंस जो इन जनरल एक आईपीएस ऑफिसर के लिए होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्थ ब्लॉक, यहाँ पे बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। इन मिनिस्ट्रीज के अंदर सिर्फ आईपीएस ही नहीं, उसके अलावा जो बाकी के सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी डेपुटेशन पे आके सर्व करते हैं। पहले हमने बात की थी स्पेशलाइज्ड डेपुटेशंस की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हैं, जहां पे एक आईपीएस ऑफिसर वाली कंपिटेंसी चाहिए होती है, सो वहां पे आईपीएस ऑफिसर्स ही जाते हैं।
यहाँ पे इन जनरल भी बाकी सिविल सर्वेंट्स जाते हैं, सो आईपीएस ऑफिसर्स भी जाते हैं। आपको हर मिनिस्ट्री के अंदर डेपुटेशन पे आईपीएस ऑफिसर्स मिलेंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि आपको उतनी फैसिलिटीज, उतने पर्क्स नहीं मिलेंगे जितने कि आपको स्टेट के अंदर अपनी फील्ड पोस्टिंग के अंदर मिलेंगे, बट यहाँ पे अलग टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करोगे। सो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको देखना है। सो आज के सेशन में हमने आईपीएस से रिलेटेड स्ट्रक्चर क्या है, प्रमोशंस क्या हैं, चैलेंजेस किस टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देख के हमें डिसीजन नहीं लेना है, क्या क्या फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हो, इन सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आज का सेशन देखने के बाद आपको कुछ हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि आप आईपीएस के लिए बने हो या नहीं बने हो, बट स्टिल आपको बैठ के एक बार एक्सरसाइज करनी होगी सारे फैक्टर्स को लिख के कि ये फैक्टर्स मेरे लिए सूटेबल हैं और ये सूटेबल नहीं है, किन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, किन के साथ नहीं कर सकता। सो उन सब के बाद आपको असेस करना है कि आप एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए बने हो या नहीं। सो दोस्तों, अगर आज का सेशन देखने के बाद आपको लगता है कि आप एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ही बने हो, सो आज से ही दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दो, बिकॉज आपको पूरी जिंदगी ही दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सो अपना एक डिटर्मिनेशन कर लो, एक डेडिकेशन के साथ लग जाओ, फिर डेफिनेटली आप एक दिन इंडियन पुलिस सर्विस की यूनिफॉर्म में हमारी कंट्री को सर्व करोगे। जय हिंद।